तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम पहला ही पॉइंट हार गया। तो अय्यर भाई आपको देसी नियम मालूम नहीं है क्या? तो क्रिकेट में पहला बॉल, बैडमिंटन में पहला फूल, वो सब ट्रायल होता है। असली मैच अभी शुरू होगी। ट्रायल्स था, अब ऑल रियल्स चालू होगा। रियल मैच चालू की जाए। नहीं बाबा विजय जी लीजिए, हाँ सर्विसिंग कीजिए। थैंक यू। तुम बबीता से 3 पॉइंट पीछे है, अभी भी टाइम है, हार मान लो। अंपायर अय्यर भाई बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनका बोलो घर पर जाकर सो जाए। अय्यर अंकल आप ऐसे प्लेयर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओ जडल थक गया हो तो मैच छोड़ सकता है। अंपायर क्या मंगाऊं आपके लिए? बड़ा पाव को चाय कॉफी कोई मंगाऊं क्या? यस क्या? अरे कब से डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको बोलो कुछ यार। ओके 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 सॉरी जेटा अंकल। अय्यर अंकल आप किसी प्लेयर को ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, ये लास्ट वार्निंग है। अगर आपने फिर से डिस्टर्ब किया तो आपको जेटा अंकल की तरफ से मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। ओ भाई ओ तू कहना क्या चाहता है, मतलब मैं क्या हारने वाला हूँ? तो भाई एक मिनट, ये अंपायर बदलो, ये अंपायर तटस्थ नहीं है। क्या नहीं है? न्यूट्रल बना, न्यूट्रल। ओके सॉरी 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 मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। अय्यर अंकल लास्ट वार्निंग है, अगर आपने किसी प्लेयर को परेशान किया तो आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा और रसगुल्ले भी नहीं मिलेंगे। ओके जेठा अंकल चलिए। जेठा जी कम ऑन। बट और अंदर आ जाना, कोर्ट में अंदर आ जा तू। क्या यार अंपायर क्या, किधर ध्यान है आपका? कोर्ट में कोई नहीं आएगा। ओके ऑडियंस इधर आ रहे हैं ऊपर, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है इधर। कम ऑन फोकस फोकस। स्कोर्स हो गए हैं 10 ऑल, यानी कि दोनों को जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है। अब देखना यह है कि गोकुलधाम सोसाइटी को रसगुल्ले मिलेंगे या फिर मोबाइल फोन। रसगुल्ला रसगुल्ला बबीता कम ऑन बबीता। अय्यर भाई मैं चीयर अप कर रहा हूँ। बबीता डिस्टर्ब हो रहा है भाई, कुछ मत करो आप। ओके ओके चीयर्स बीयर्स कुछ मत करो। मैच स्टार्ट किया जाए। ए लुक डोंट वरी बबीता आंटी, ये पॉइंट काउंट नहीं किया जाएगा। बबीता आंटी को एक अलग रैकेट दें। चलिए हमारे पास 2 ही रैकेट है। हा? मतलब थे। ओ। मतलब ये मैच कंप्लीट नहीं होगा, ड्रॉ हो जाएगा। अगर ड्रॉ करना है तो एक ही शर्त पे होगा। हा? कौन सी शर्त? यही कि बबीता आंटी कल सुबह सबको रसगुल्ला खिलाएंगी। ओके नहीं 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 नो क्या बबीता जी, ये मैच ड्रॉ हुआ है तो रसगुल्ला हम दोनों की तरफ से होना चाहिए। अरे वाह। ओके तो फिर कल मेरे और जेठा जी की तरफ से पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को रसगुल्ला पार्टी। ओके चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। बहुत दिनों के बाद बैडमिंटन खेलने को मिला, वो भी बबीता जी के साथ। मजा आ गया। मजा तो आया लेकिन बहुत दिनों के बाद खेला तो कंधा और हाथ थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। ओ ये बापूजी के खर्राटे की आवाज है। बस
लेकिन बापूजी सोफे पे बैठे बैठे क्यों सो गए? लगता है आज को ज्यादा ही थक गए। क्या करूं, जगाऊं कि नहीं? नहीं जगाया और कहीं गुस्सा हो गए तो? नहीं, लेकिन जगाना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पूरी रात सोफे पे बैठे बैठे सोएंगे तो उनकी गर्दन अकड़ जाएगी। जगा ही देता हूँ, भला की जाए। बापूजी मैं हूँ। तू? हाँ, आप सोफे पे बैठे बैठे सो गए थे तो मैं आपको नींद से जगा रहा था। जगा रहा था? हाँ, नींद से। हाँ, अरे जगाते उनको है जो सोए हुए होते हैं। तो मतलब आप सोए हुए नहीं थे? नहीं, मैं ध्यान में बैठा था। रीत सर खर्राटे मार के सो रहे थे, लेकिन मानेंगे नहीं। सॉरी बापूजी, मुझे लगा आप सो रहे थे। लगा वाली, तू भी रोज सोने से पहले ध्यान में बैठा कर, अच्छी नींद आएगी। नहीं, मुझे सोने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बापूजी। आप बोलो तो मैं कहीं भी किसी भी वक्त यूं सो सकता हूँ। अच्छा, चल सो जा। अरे क्या कर रहे बापू जी? मजाक करते हैं, मेरी मजाक करते हैं। तो शुरुआत तो आप ही ने की ना बापू जी, ऐसे चुटकी बजाते ही कोई सो सकता है भला? अच्छा, तूने ही तो बोला था मैं यूं सो जाता हूँ। अरे कहने का मतलब ये था बापू जी कि पलंग में पड़ते ही मुझे 3-4 मिनट में यूं नींद आ जाती है, ऐसा। ठीक है, जा जाके सो जा। थैंक यू। सुन, हाँ बापू जी। हाँ, आज आने में देर क्यों हो गई? अरे बापू जी, आज तो मजा आ गया। नीचे सब वो बैडमिंटन खेल रहे थे तो मैं भी थोड़ा देखने बैठ गया। नहीं नहीं, खेला तू? हाँ खेला। अरे खेला मतलब जबरदस्त खेला, मेरे और बबीता जी के बीच में मैच हुई थी। हा? कौन जीता? कोई नहीं, वो क्या के वो खेलते खेलते वो बबीता जी का रैकेट की झल्ली है ना, वो टूट गई, तो फिर वो मैच रद्द बातल करनी पड़ी, वरना मैं ही जीतता। तो तुम लोग बैडमिंटन फूल से खेल रहे थे कि पत्थर से? नहीं नहीं, फूल से ही खेल रहे थे बापू जी। नहीं ठीक है, अच्छा किया। खेल कूद तो हमारे जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए, वरना आजकल के बच्चों को देखो, उनके सर तो मोबाइल में ही घुसे रहते। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी, मैं छोटा था तभी दोस्तों के साथ कितना खेलता था है? और जब तक मेरी मार नहीं पड़ती थी तब तक घर वापस नहीं आता। बहुत मारते थे आप मुझे, लेकिन एक बात है बापू जी, वो मारने के बाद प्यार भी उतना ही करते थे आप मुझे। अरे बेटा, माँ बाप की मार और डांट में भी प्यार ही होता है। माँ बाप अपने बच्चों को डांटते ही इसलिए है ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सो जाते। जी बापू जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्या हुआ बापू जी? अरे कुछ नहीं, थोड़े पैर दर्द कर रहे हैं। ले क्यों, आज क्या कुछ ज्यादा चलना हुआ? हाँ, वो क्या हुआ ना, मैं मंदिर से लौट रहा था तो एक आदमी एक एड्रेस ढूंढ रहा था और कोई उसे ठीक से बता नहीं पा रहा था, तो उसे एड्रेस बताने मैं उसके साथ चला गया, तो उसमें ज्यादा ही चलना हो गया। अरे बापू जी, उसको एड्रेस समझा देना चाहिए था ना, चल के उसके साथ उसको एड्रेस बताने क्यों गए आप? इतना बहुत भूला था, गांव से पहली बार मुंबई आया था, मैं उसे एड्रेस नहीं बताने जाता ना तो वो बेचारा गोल गोल घूमता रहता। तुझे याद है ना, मैं भी जब पहली बार गाँव से मुंबई आया था तो कैसे खो गया था। अरे हाँ बापू जी, आइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अरे नहीं ठीक है। अरे ठीक है क्या बापू जी, मस्त पैर दबा देता हूँ, आपको मस्त नींद आ जाएगी। आइए चले, आइए आइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहे तू? तुमने टेढ़ी लो बापू जी। अरे वो थे, अरे चलते हैं तू के लिए। अरे अरे बापू जी, थोड़ा वहां तक चल लेंगे। तो मैं तो जा ही रहा था।
तू वैडा हुआ तुमने टेढ़ी लो हेलो भी धीरे धीरे आराम से वजन बढ़ गया है अभी आपका नहीं नहीं मैं मतलब मेरे मैं कमजोर हो गया हूँ अपू जी अभी आपको ये थोड़ा चलना फिरना अभी कम करना चाहिए थोड़ा सेहत का ख्याल रखिए क्या कि अभी उम्र भी थोड़ी बढ़ गई है ये उम्र वाली पैरों का उम्र से कोई लेना देना नहीं है तो वो तो आज थोड़ा ज्यादा चल लिया इसलिए पैर दर्द कर मैं वही कह रहा हूँ बापू जी थोड़ा चलना फिरना अभी कम कर दीजिए तो क्या कम कर दीजिए मैं थोड़ी रोज रोज सबको एड्रेस दिखाने निकल पड़ता हूँ नहीं जमाने जेठिया तुझे क्या लगता है मेरे पैर कांच के बने हुए नहीं तो तू इतना धीरे धीरे क्यों दबा रहा है जोर से दबा मेरे पैर कांच के नहीं बने हुए तो तेरे जोर से दबाने से टूट के चूर चूर हो जाएंगे दोनों हाथों से दबा ठीक है बापूजी ये ठीक है बस बस जेठे बस नहीं थोड़ा और दबा अरे नहीं ठीक है तू जा जाके सो जा पक्का हाँ हाँ पक्का पक्का ओके ओके शुभ रात्रि हाँ शुभ बैडमिंटन खेलना आज भारी पड़ गया मुझे तो कुछ काम है हाँ उन्हें तो बेटे होने का फर्ज निभा लिया मुझे बाप होने का फर्ज निभाना हाँ तुझे थोड़ा बाम खींच देता क्यों चल चलो ज्यादा भोला मत बन बेटा बाप हूँ मैं तेरा मैं समझ गया कि तेरे हाथों में दर्द हो रहा है तो तू बहुत दिनों के बाद खेला ना तो दर्द तो होगा ही पर बाबूजी इतना भी दर्द नहीं हो रहा है अरे इतना क्यों उतना दर्द हो रहा है ना वो अभी आप ही ने बोला ना बाबूजी बहुत दिनों के बाद खेला इसलिए थोड़ा दर्द तो होगा ही ना ठीक है हाँ तो बोल नहीं सकता था पैर दबाने बैठ गया नहीं बताने की तो हमारी परंपरा है बापूजी मैं आज भी वो रात भूला नहीं हूँ बापूजी कौन सी रात याद है जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत तेज बुखार आया था और हमारे गांव का डॉक्टर कहीं बाहर गांव गया था दूसरे दिन आने वाला था तो पूरी रात आपने मेरे बाजू में बैठ के मेरी कितनी सेवा की थी दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तब पता चला कि मुझसे ज्यादा बुखार आपको था लेकिन आपने किसी को बताया नहीं था मुझे अभी भी याद है याद तो हो गए ना बापू जी मैं उन नगुणे बच्चों जैसा नहीं जो बड़े होके माँ बाप का प्यार भूल जाते चलो फिर थोड़ा बाम घीच देता हूँ अच्छी नींद आ जाएगी जी नहीं तो कल पूरा दिन खराब जाएगा ज्यादा बम लगाएंगे ना फिर वो जलता है थैंक यू बाबू जी हाँ 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 हाँ
वैसे एक बात कहूँ जेठा? जरूर। शरीर को जो आदत ना हो ना वो नहीं करना चाहिए। तुझे खेलना है ना तो रोज खेल, शरीर को मजबूत बना, रोज कसरत कर, उससे शरीर को आदत पड़ेगी। अब तू साल के वचले दिन खेलने बैठेगा तो दर्द तो होगा ही ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर कह रहे हैं बाबू जी। तो चल, कल से रोज सुबह 6 बजे उठ जाना, हम दोनों साथ में चलने जाएंगे। सुबह 6 बजे? अरे मजाक कर रहा हूँ। ठीक, बाकी सुबह 6 बजे उठने के लिए मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। चल अभी शांति से सो जा, हा? और जमने पड़ के मत सोना, दुखेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बाबू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। पुत्र पिता और पुत्र का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। पुत्र यदि मुसीबत में हो तो उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती, पिता बिना कहे सब कुछ समझ लेता है और उनका प्रयत्न यह रहता है किस तरह से पुत्र परेशानी से बाहर निकले। तो सही मानों में एक पिता पुत्र के लिए मित्र होता है, सखा होता है, मार्गदर्शक होता है और एक ऐसा फरिश्ता होता है जो उसे परेशानी और मुसीबत से निकालता है। लेकिन कल कुछ ऐसा होने वाला है कि जेठालाल के हाथों के छोटे उड़ जाएंगे, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, दिन में तारे नजर आएंगे, तो ऐसा क्या होने वाला है? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.